हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेवटेक स्मार्ट में। लेनोवो फैंस के लिए आ गया है हाई एंड प्रोफेशनल लैपटॉप है, जो है ये लेनोवो थिंकपैड X1 योगा जनरेशन 7 है, जिसमें लगा हुआ है इंटेल कोर i7 ईवो प्रोसेसर है। और फ्रेंड्स, मुझे ये लैपटॉप एक्सपेंसिव लग रहा है, पर अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करके देखते हैं ये लैपटॉप अपने बजट को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। और मोस्टली मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप प्रोफेशनल बिजनेस यूजर्स के लिए रिकमेंडेड रहेगा, जो सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। लैपटॉप के बॉक्स कंटेंट की बात करें तो एक मिल जाता है USB 2 LAN कनेक्टर और एक मिल जाता है प्रीमियम क्वालिटी का टाइप सी एडाप्टर 65 वोल्ट का, एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कोड। तो फ्रेंड्स, ये है थिंकपैड X1 का फर्स्ट इंप्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हो, ग्रे कलर के साथ ये लैपटॉप आ रहा है। ओवरऑल इस लैपटॉप की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी औसम देखने को मिल रही है, और जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो फ्लैक्स ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, जो ये टॉप कवर दिया हुआ है वो मेटल का है, और पाम रेस्ट और बॉटम में हार्ड प्लास्टिक यूज की गई है। और इस लैपटॉप की सबसे अच्छी बात बता दूं, ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, तो अगर आपका लैपटॉप कुछ ऊंचाई से गिर भी जाए तो डैमेज नहीं होगा। और इस लैपटॉप का वेट निकल गया है 1.4 kg, काफी कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप है, तो आप इसे ट्रेवलिंग में भी आसानी से ले जा सकते हो। और पर्सनली मुझे इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी अच्छी लगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लेनोवो की ब्रांडिंग और वहीं राइट साइड के कॉर्नर पे और पाम रेस्ट पे थिंकपैड X1 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहां ऊपर की तरफ एक हल्की सी लाइट जल रही है, जो बता रही है आपको, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां पीछे की तरफ एयर एग्जॉस्ट दिया हुआ है, और यहां आप देख सकते हो फ्रेंड्स, काफी कम साइज में एयर वेंट देखने को मिल रहा है। और ये लैपटॉप ड्यूल फैन सेटअप के साथ आता है, और यहां बॉटम में ही 2x2 के स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं, और फ्रेंड्स थर्ड पार्टी लोगो भी देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप में विंडोज 11 प्रो 64-bit में देखने को मिल जाती है, उसका एक्टिवेशन लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये कमर्शियल सीरीज का लैपटॉप है, इसी वजह से इसमें प्रो विंडो देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, एक प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप की टॉप लिड को सिंगल हैंड से ओपन कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ ये टॉप लिड ओपन हो गई है। और फ्रेंड्स, 360 कन्वर्टेबल लैपटॉप है, तो आप इस लैपटॉप की टॉप लिड को 180 और 360 तक भी रोटेट कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इस लैपटॉप को 360 तक रोटेट कर दोगे तो इसका कीबोर्ड और ट्रैकपैड काम करना बंद कर देगा, और टच का रेस्पॉन्स टाइम काफी मुझे अच्छा लग रहा है, वो डिस्प्ले वाले पार्ट में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, पर्सनली मैं आपको बता दूं, हिंज की क्वालिटी यार मुझे काफी अच्छी लग रही है, और स्क्रीन बबल तो देखने को मिल ही नहीं रहा है। और फ्रेंड्स, बेजल्स काफी मिनिमल से ही देखने को मिल रहे हैं, और आगे की तरफ X1 योगा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज का कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अभी 14-inch का लैपटॉप है तो नमपैड नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, जो की ट्रेवल का जो स्पेस दिया हुआ है वो है 1.4 mm, और जैसे फ्रेंड्स मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं तो फ्लैक्स ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात बता दो, 2-level की बैकलाइट देखने को मिल जाएगी, तो आप इस लैपटॉप में नाइट में भी अच्छे से वर्क कर पाओगे। और फ्रेंड्स, काफी टिक्टाइल सा फील हो रहा है जब मैं इसे यूज कर रहा हूं। और जैसा कि आप देख सकते हो, सेंटर में ही रेड कलर की ट्रैक बॉल दी हुई है, जो पुराने यूजर्स है उनको पता है कि नेविगेशन करने में काफी मदद करती है। और फ्रेंड्स, वहीं इस लैपटॉप के ट्रैकपैड की साइज की बात करूं तो ठीक ठाक साइज आपको देखने को मिल जाती है, जो मल्टीटास्क जेस्चर और प्रसिजन टच को सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये कमर्शियल सीरीज का लैपटॉप है, इसी वजह से इसमें लेफ्ट और राइट के लिए डेडिकेटेड बटन मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप के पाम रेस्ट पे ओनली प्रोसेसर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर्स के मन में ये डाउट होता है कि इंटेल ईवो सर्टिफाइड होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको लैपटॉप को क्वालिफाई करना रहता है, कि जैसे कि 1 सेकंड के टाइम में डिस्प्ले ऑन हो जाए, और फ्रेंड्स उस लैपटॉप का 8 घंटे से ज्यादा का बैटरी बैकअप हो, थंडरबोल्ट 4 हो, और फ्रेंड्स लैपटॉप काफी कॉम्पैक्ट साइज का होना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो लैपटॉप ईवो सर्टिफाइड है उसको बिना किसी डाउट आप जाके परचेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसी के साथ इस लैपटॉप के पोर्ट्स भी देख लेते हैं, तो राइट साइड में सिक्योरिटी स्लॉट मिल जाता है, 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट और एक LTE स्लॉट भी मिल जाता है, तो आप ऑल इन वन कोई सी भी सिम इसमें लगा सकते हो, ये मुझे काफी अच्छी बात लगी। 3.5 mm ऑडियो जैक, और फ्रेंड्स एक मिल जाता है लेनोवो पेन, काफी स्मॉल साइज का है। और इस पेन की मुझे सबसे अच्छी बात लगी, इसे इंटीग्रेटेड लैपटॉप में ही रख पाओगे फोन की तरह।
वहीं लेफ्ट साइड में 2 यूएसबी थंडरबोल्ट 4 के 2 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आप डिस्प्ले आउटपुट है, पावर डिलीवरी, फास्ट डाटा ट्रांसफर है। और फ्रेंड्स, आपको पता है थंडरबोल्ट 4 के क्या ही फायदे हैं, और 1 यूएसबी 3.2 टाइप ए पोर्ट, एचडीएमआई 2.0 बी पोर्ट देखने को मिल जाता है। और इस लैपटॉप के स्पेक्स देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। तो सीपीयू की बात करूं तो इंटेल कोर i7-12-15U प्रोसेसर दिया हुआ है, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 1.7 और इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजीज है 7 गीगाहर्ट्ज़ तक यूज कर सकते हो। 10 कोर 12 थ्रेड और 12 एमबी की कैश मेमोरी दी हुई है। और फ्रेंड्स, वही पी कोर और ई कोर का सीन देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप में 2 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंसी कोर के साथ प्रोसेसर आता है। नेक्स्ट मेमोरी की बात करें तो 16GB की DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम देखने को मिल जाती है ऑन बोर्ड। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप में रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बताऊं, 2023 के हिसाब से 16GB की रैम काफी सफिशिएंट रहने वाली है। स्टोरेज 1TB की PCI NVMe Gen 4 SSD दी हुई है Samsung कंपनी की। रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो, क्या ही शानदार स्पीड देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि आपको स्टोरेज को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, वैसे 1TB काफी सफिशिएंट है। और लेटेस्ट वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है, वही इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स दिया हुआ है, 8GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। और इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर की तरफ बढ़ते हैं, तो मैंने इस लैपटॉप में मल्टीपल बेंचमार्क स्कोर को टेस्ट किया है। तो सबसे पहले Cinebench R23 ने सिंगल कोर स्कोर दिया है 1553 और मल्टी कोर स्कोर है 6419। वहीं PCMark 10 ने स्कोर दिया है 6384। वहीं Geekbench 5 ने सिंगल कोर स्कोर दिया है 2122 और वहीं मल्टी कोर है 7726। वहीं GPU स्कोर 14671 देखने को मिल रहे हैं। और वहीं 3D Time Spy ने GPU स्कोर दिया है 1443 और CPU स्कोर 3666 देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पीसी के अंदर जो स्कोर्स निकल के आए हैं वो काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ इस लैपटॉप की डिस्प्ले भी देख लेते हैं, तो 14 इंच की WUXGA IPS एंटी ग्लेयर टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसका रेस्पॉन्स टाइम काफी शानदार देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप के साथ लेनोवो पेन देखने को मिल रहा है और उसका भी रेस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा है। जब मैंने इस लैपटॉप में ड्राइंग और पेंटिंग की तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिला है, टच का और पेन का रेस्पॉन्स टाइम भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और फ्रेंड्स, 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल रही है और 100% sRGB देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कह सकता हूं कि डिस्प्ले काफी ऑसम दी हुई है। आप इसमें कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड भी टास्क रन कर सकते हो, तो अगर आप मूवी देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। और इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1920x1200 है और इस डिस्प्ले को iSAFT सर्टिफाइड भी मिला हुआ है। तो अगर आप 8 से 10 घंटे इस लैपटॉप के ऊपर वर्क करोगे तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और फ्रेंड्स, उसी सेम फुटेज के साथ मैंने इस लैपटॉप में वीडियो रेंडर किया था, तो वीडियो रेंडर होने में ओनली 1 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगा। और जब मैंने लैपटॉप को बूट किया तो ओनली 18 सेकंड में लैपटॉप बूट हो गया था। अब लैपटॉप बूट होने में टाइम इसीलिए लगा रहा था क्योंकि सब कुछ हार्डवेयर चेक होने के बाद में ही लैपटॉप बूट होता है, क्योंकि ये कमर्शियल सीरीज का लैपटॉप है। तो फ्रेंड्स, ऐसी वेबकैम की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, फुल HD वेबकैम दिया हुआ है और साथ ही ड्यूल एरे नॉइस कैंसिलेशन के साथ माइक्रोफोन भी दिए हुए हैं, और जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, प्राइवेसी के लिए आपको प्राइवेसी शटर देखने को मिल जाता है और EVO सर्टिफाइड लैपटॉप है तो आपको फेस लॉक का फीचर्स भी मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें Adobe प्रीमियर प्रो में एडिटिंग की थी 4K की। तो आप नॉर्मल एडिटिंग 4K की कर सकते हो, लेकिन 1080p की एडिटिंग बटर स्मूथ इसमें कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इस लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस। वैसे गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताया कि मैं हर लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस जरूर आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूं GTA 5 HD रेजोल्यूशन के साथ, तो देखते हैं कैसी फ्रेम रेट देखने को मिलती है। Tracy, hey, where you running off to? They took our ride, we take their truck. There, we take the truck. I got a deposit on that truck. Sit there and watch your daughter get treated like that. Hey, you raise a daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting. Now, thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you.
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो HD रेजोल्यूशन के साथ 80 FPS की फ्रेम रेट देखने को मिल रही है, और जब मैंने इसी गेम को फुल HD रेजोल्यूशन के साथ प्ले किया तो 50 FPS के आसपास फ्रेम रेट देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने इसमें गेम प्ले किया है स्नाइपर इलाइट 4 HD लो सेटिंग पे, तो देखते हैं कैसी फ्रेम रेट देखने को मिलती है। Reckon I could take this fellow down without making a noise. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 50 FPS के आसपास फ्रेम रेट देखने को मिल रही है। और लास्ट में मैंने इसमें एक और गेम प्ले किया है स्पेक्स ऑफ द लाइन है HD लो सेटिंग पे, और फ्रेंड्स आप इसमें भी देख सकते हो वही 50 FPS के आसपास फ्रेम रेट देखने को मिल रही है। तो आप इस लैपटॉप में पार्ट टाइम गेमिंग भी कर सकते हो, गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है क्योंकि डेडिकेटेड GPU नहीं है। और इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो फ्रेंड्स आपको पता है इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, तो वही 8 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस लैपटॉप में गेमिंग करोगे तो फिर बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी इस लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, बेंचमार्क स्कोर, और मैंने सब कुछ आपको टेस्ट करके बताया। और अब इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो जो बॉक्स पे MRP दी हुई है वो है 337,456 रुपीज। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप की प्राइस निकल के आ रही है 237,000 के अप्रोक्स है। वैसे आप लेनोवो की साइट पे विजिट करोगे तो वहां डिफरेंट डिफरेंट मोड में आप कस्टमाइज कर सकते हो लैपटॉप को, कौन सा लैपटॉप आपको बाय करना है, आपकी क्या नीड है, क्या रैम की रिक्वायरमेंट है, क्या SSD की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको डेडिकेटेड GPU की रिक्वायरमेंट है, साइट पे जाके आप लैपटॉप को कस्टमाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स काफी सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस प्राइस पे तो हार्ड कोर गेमिंग लैपटॉप बाय कर सकते हैं, मैकबुक बाय कर सकते हैं, तो ये लैपटॉप क्यों लें। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये लैपटॉप बिजनेस यूजर्स और प्रोफेशनल यूजर्स को टारगेट करता है, जिनको सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए और विंडोज लैपटॉप भी चाहिए, उनको ये टारगेट करता है। और अगर बाकी आप लोगों का बजट है तो आप इसके लिए जा सकते हो, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ ये लैपटॉप आता ही है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं Lenovo ThinkPad कमर्शियल लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी औसम देखने को मिलती है, इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी औसम देखने को मिल रही है। ये लैपटॉप 10 साल बाद में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसी वजह से कंपनी इतना चार्ज पे करती है। अगर आपको ये लैपटॉप बाय करना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी और धमाकेदार लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।